शान किशोर जी जैसे बड़ी शख्सियत आज हमारे इलाके के सभी गांव में समय दिए हुए हैं। साथियों, दो बात हम कहना चाहेंगे, उसके माननीय नेता जी सब बात को रखेंगे। हम लोग जिस बेलागंज में खड़े हैं, हम लोगों ने लगातार एम भाई समीकरण के नाम पर वोट देते आए हैं। 35 साल हो गया, एक आदमी को जिताते रहे, विधायक के बाद संसद ही बनाने का काम किया। इन संसद बनाने के बाद जब ये सीट खाली हुआ तो पूरे मुसलमान इस इंतजार में थे कि एम भाई समीकरण की बात करने वाली पार्टी इस बार किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजद ने चंद्र प्रसाद यादव जी के बेटे को टिकट दे दिया कि 35 साल हम यहाँ रहे हैं और 35 साल हमारा बेटा रहेगा, तो क्या ये हम लोग को मंजूर है? क्या ये मंजूर है? जब ये मंजूर नहीं है तो आजादी की लड़ाई लड़नी होगी मेरे भाइयों। पूरे बिहार में 4 जगह पर उपचुनाव हो रहा है, एनडीए भी 4 जगह लड़ रही है, महागठबंधन भी 4 जगह लड़ रही है, किसी ने एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, और जन सुराज भी 4 जगह लड़ रही है। तो जन सुराज के प्रशांत किशोर जी ने पहले कहा, इस बार जो जन सुराज का जो मुहिम है, सभी समाज को जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसरूप हम लोग हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। पूरे बिहार में अगर 18% मुसलमानों की आबादी है तो 18% टिकट मुसलमानों को दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत इसी उपचुनाव में बेलागंज से कर दिया गया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि बेलागंज 65,000 मुसलमानों की बड़ी आबादी वाला मगध में क्षेत्र है, इस बार अगर हम लोग थोड़ा सा से चुप जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। साथियों, जहां जहां मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ, लगभग गांव में गया हूँ, सभी जगह से एक ही आवाज आ रहा है कि इस बार बेलागंज से अमजद भाई को विधायक बनाना है। आप अपने यहाँ भी समाज को बुलंद कर दीजिए। 80% 90% लोग एकजुट हो चुके हैं, लेकिन 5-10% जो राजद की तरफ और जदयू की तरफ चल रहे हैं, हम लोग की कोशिश होनी चाहिए, हम लोग का प्रयास होना चाहिए, एक एक आदमी को लाना है। और कौन के जो नौजवान साथी हमारे अमजद भाई को टिकट मिला है, अमजद भाई को विधायक बनाना है। साथियों, जानना बहुत जरूरी है कि बिहार में 4 टिकट में एक भी मुसलमानों को नहीं दिया गया। बगल में झारखंड का चुनाव चल रहा है, झारखंड में भी राजद महागठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस और झामुमो के साथ है, वहां भी राजद को 6 टिकट मिला, वहां भी किसी मुसलमानों को टिकट देने का काम नहीं किया। 6 वहां टिकट नहीं दिए, 4 बिहार में टिकट नहीं दिए, तो 10 में एक भी मुसलमानों को उन्होंने पसंद नहीं किया। इस बार बेलागंज का मुसलमान भी बता दे कि हम भी राजद को पसंद नहीं करते हैं। आपके लालटेन में हम किरासन तेल की तरह इस्तेमाल नहीं होंगे, हम किरासन तेल की तरह नहीं जलेंगे। अब आपके घर में रोशनी नहीं होगा, अब रोशनी होगा तो बेलागंज के अमजद भाई के घर में होगा, अब रोशनी होगा तो बेलागंज के घर में रोशनी करने का काम करेंगे। न किसी हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। हम इधर उधर इंतजाम करते हैं, वो जीतेगा तो फायदा हो जाएगा, उसको जिता देंगे तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं मेरे भाई, जब तक आप अपने बेटा को अपने भाई को नहीं जिताएंगे कोई मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इसी बेलागंज में हमने देखा है कि जब डब्बे में घटना घटी, 70 साल के बूढ़े मुसलमान को रस्सी से बांध करके ले जाया गया, यही महागठबंधन का सरकार था, कोई सामने नहीं आया। 3 बुजुर्ग लोगों को पुलिस उठा के लेके गई, कोई नेता नजर नहीं आया, उस दर्द को भी हमने देखा है। अभी अभी हमारे सामने अजीजिया मदरसा जला दिया गया, एक आदमी नहीं पहुंचा, नीतीश कुमार का गृह जिला बिहार शरीफ में एक घटना घटा, वहां भी कोई आंसू पोंछने नहीं गया। इसलिए जब तक हम दूसरे के कंधे पर रहेंगे, ये जीतेगा तब फायदा होगा, इसके जीतने से हमको फायदा होगा नुकसान होगा, तो कुछ नहीं इस कौम को होने वाला है। अब कौम का बेटा जीतेगा तब कौम को फायदा होगा। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।